आर्यन फन टीवी में आपका स्वागत है दोस्तों। माता पिता के लिए टिप्स हैप्पी एंड केयरिंग किड्स विकसित करने के लिए। एक अभिभावक के रूप में बच्चों को सही देखभाल देना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके पास सबसे खुशहाल बचपन हो। यह सुनिश्चित करना भी आपकी जिम्मेदारी है कि वे सही मूल्यों और नैतिकता को सीखें और बड़े होकर समाज के सम्मानित मूल्यवान सदस्य बने। इनके अलावा यह भी जरूरी है कि आप अपने बच्चों की देखभाल और दयालु इंसान बने। बच्चे की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं है। इन युक्तियों से आपको और आपके बच्चे की देखभाल करने वालों पर कार्य थोड़ा आसान हो जाना चाहिए। एक, अपने बच्चे की आत्म छवि में सुधार करें। बच्चा पहले एक आत्म छवि का निर्माण करना शुरू कर देता है, जिसके आधार पर वे महसूस करते हैं कि उनके माता पिता उन्हें कैसे समझते हैं। जब आप उनके साथ बातचीत करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि आप उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं, तो वे अनजाने में आपकी आवाज़, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके भावों को उठाते हैं। उनके पास अपमानजनक शब्दों का उपयोग कभी न करें और कभी भी उनकी तुलना दूसरों से न करें। सुनिश्चित करें कि आप अपने बच्चे को यह नहीं सोचते कि वे बेकार हैं। उन्हें दिखाएं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और आप उन्हें उस अद्वितीय व्यक्ति के लिए प्यार करते हैं जो वे हैं। उन्हें अपने निर्णय लेने की अनुमति दें और उन्हें ध्यान से सुने जब वे आपके साथ अपने आत्मविश्वास को स्वस्थ बढ़ावा देने के लिए संवाद करते हैं। दो, संचार को प्राथमिकता बनाएं। सुनिश्चित करें कि बच्चों के साथ बातचीत आपके जीवन का एक नियमित हिस्सा है, ताकि आप जान सकें कि वे अपने जीवन में हो रही चीजों को कैसे समझते हैं और वे उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। एक वयस्क के साथ आप आमतौर पर समझाएंगे कि आपको कुछ करने की आवश्यकता क्यों है, और यदि वे संदिग्ध हैं, तो स्पष्टीकरण प्रदान करें। बच्चे एक समान संचार रणनीति के लायक हैं। आदेश जारी न करें और उनसे अपेक्षा करें कि वे केवल इसलिए लाइन में पड़े क्योंकि आप माता पिता हैं। इसके बजाय समाधान की पेशकश करें, चर्चा करें कि वे किसी चीज के बारे में कैसा महसूस करते हैं, और फिर एक साथ समाधान के साथ आते हैं। इसलिए वे प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। यह उन्हें स्वेच्छा से पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हर दिन सार्थक बातचीत करें, पूछें कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक विशेष स्थिति को कैसे संभाला, क्या किसी ने स्कूल में उनके लिए कुछ अच्छा किया आदि। तीन, अपने बच्चों की तारीफ करें। आपका बच्चा कैसे जानता है कि उन्होंने कुछ सही किया है या आप उनके कार्यों या प्रतिक्रियाओं का अनुमोदन करते हैं? उनकी तारीफ करना बच्चे को तुरंत संवाद करने का एक सरल प्रभावी तरीका है कि उन्होंने जो किया है वह प्रशंसा के योग्य है और किसी स्थिति के लिए सही प्रतिक्रिया है। अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत करने और आलोचना को प्रशंसा के साथ बदलने के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा अपने दांतों को ब्रश करने में विफल रहा है, तो उनकी आलोचना करने के बजाय उन्हें इस बात की प्रशंसा करें कि वे पिछले दिन अपने दम पर कैसे उठे और बिना बताए ब्रश किया। उन्हें तारीफ करने की आदत डालें, ताकि वे स्पष्ट रूप से जान सके कि उनसे कौन सा व्यवहार या कार्य वांछित है। चार, उपयुक्त वातावरण प्रदान करें। घर पर एक पोषण, सुरक्षित, आरामदायक वातावरण बच्चे को खुद के सर्वश्रेष्ठ संस्करण में खिलने में मदद करता है। बिना किसी जोखिम के एक सुरक्षित क्षेत्र बनाएं, ताकि आपको उन्हें वह करने से रोकना न पड़े जो वे करना चाहते हैं। बच्चे को यह भी आत्मविश्वास महसूस करना चाहिए कि वे चोट के डर के बिना घर पर खेल सकते हैं या तलाश सकते हैं। उन्हें इस बारे में शिक्षित करें कि उन्हें क्या नुकसान हो सकता है और क्या उचित व्यावहारिक नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं जो उनके लिए पालन करना आसान है। समय समय पर घर के माहौल की समीक्षा करें और देखें कि क्या यह बच्चे के लिए आरामदायक है। पाँच, अपने बच्चों के लिए समय निकालें। अपने बच्चे को सही तरीके से प्रभावित करने के लिए
आपको उनके साथ पर्याप्त समय बिताने की आवश्यकता है। प्रत्येक दिन के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में माता पिता के बच्चे के समय की योजना बनाएं। आप खेल सकते हैं, कहानियाँ सुना सकते हैं या उन्हें पार्क में ले जा सकते हैं। गतिविधि के बावजूद सुनिश्चित करें कि आपने इन्हें नियमित रूप से दिन की योजना में बनाया है। यहाँ तक कि अगर आप एक कामकाजी माता पिता हैं, तो आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भोजन एक साथ खर्च किया जाता है और एक दूसरे के साथ संवाद करने का अवसर है। आप सप्ताहांत पिकनिक या आश्चर्य यात्रा का आयोजन उन स्थानों पर भी कर सकते हैं जिन्हें वे पसंद करेंगे। ये सत्र आपको इस बात की झलक पाने में मदद करते हैं कि आपका बच्चा विभिन्न स्थितियों के बारे में कैसे प्रतिक्रिया करता है, सोचता है और महसूस करता है, और आपको उन व्यवहारों को प्रदर्शित करने की अनुमति देता है जिन्हें आप उनमें देखना चाहते हैं। 6. अपने बच्चे की चिंता के दायरे का विस्तार करें। बच्चों को दूसरों की सहयोग और मदद करने का एक अंतर्निहित आग्रह है। माता पिता बच्चों को पढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं कि यह सिर्फ परिवार के सदस्य नहीं है जो अपनी सहानुभूति के लायक है, बल्कि अन्य भी हैं। परिवार से परे बच्चे की चिंता के चक्र का विस्तार करें ताकि वे अपनी सोच में अधिक समावेशी हो और गैर परिवार के सदस्यों के साथ अधिक दयालु हो। इसे सिर्फ लोगों तक सीमित न रखें। आप अपने बच्चे को सभी जीवित प्राणियों और बड़े पैमाने पर ग्रह के लिए चिंता दिखाना भी सिखा सकते हैं।